और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एटा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी देवेश शाक्य के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में 60 लाख परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, ये लोग लोधी समाज का आरक्षण छीनना चाहते हैं, लेकिन इस चुनाव में सपा बीजेपी का सफाया करने जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने 80 में से 79 सीट जीतने का भी दावा किया। ये हमारे लोगों को जन समर्थन है, वो संविधान है वो बचे, संविधान बचे और 10 साल में तो ये सब लोग 3 साल की कैसे नौकरी हो जाएगी।